गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आप देखिए, कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लेटर राइटिंग का, उसमें आई थिंक फर्स्ट पार्ट हो गया था कि लेटर राइटिंग किस तरीके से की जाती है, उसकी क्या प्लानिंग है, प्लानिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर एक टॉपिक हो गया था। उसके बाद देखिए सेकेंड टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये, कि फिज़िकल अपेयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर, तो बिज़नेस लेटर की जो फिज़िकल अपेयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। जैसे कल भी आपको बताया था कि लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटसाइड द बिजनेस, है ना, बिज़नेस से बाहर भेजा जाता है, तो ऑब्वियसली लेटर लिखते टाइम ये ध्यान दिया जाता है कि लेटर की जो अपीयरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो कंपनी की गुडविल, है ना, कंपनी की जो रेपुटेशन है, इमेज है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो लेटर लिखते टाइम हमें बहुत सारी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, पेपर कैसा होना चाहिए, पेपर का साइज़ कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी कैसी होनी चाहिए, है ना, कलर कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी हमने इसमें पढ़नी है। तो देखिए, फिज़िकल अपीयरेंस में जो जो पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला है स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है बिज़नेस लेटर में जो कि नोटिस की जाती है। तो जो स्टेशनरी का साइज़ है, क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, स्टेशनरी का जो साइज़ है स्टैंडर्ड साइज़ वो होता है 8.5 × 11 इंचेस, है ना। ये स्टैंडर्ड साइज़ है जनरली जो कंपनीज़ में बिज़नेस में यूज़ किया जाता है, और ये सभी फाइल के लिए भी स्टैंडर्ड साइज़ होता है, फाइलिंग भी करनी होती है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो यूजली जो पेपर यूज़ होता है 7.5 × 10 इंचेस या 6 × 9 इंचेस का होता है, बट बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो साइज़ है वो 8.5 × 11 इंचेस का यूज़ किया जाना चाहिए। सेकेंड, हम बात करें स्टेशनरी क्वालिटी की, तो क्वालिटी ऑब्वियसली जो पेपर की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत थिक भी होना नहीं होना चाहिए और बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो पेपर की जो क्वालिटी है वो 16 × 20 पाउंड जनरली अच्छी मानी जाती है। तो जो लाइटर वेट पेपर होता है वो अच्छा नहीं होता, है ना, इसलिए हमें कम से कम 16 पाउंड और मैक्सिमम 20 पाउंड जो बॉन्ड है उसका पेपर यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रखा जाता है, है ना। इससे भी कंपनी की इमेज के ऊपर और कंपनी की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, ताकि वो ईज़िली फटे ना, है ना, खोलते टाइम या पढ़ते टाइम जल्दी से ना फट जाए। और अगर हम बात करें स्टेशनरी कलर की, तो जनरली जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो लेटर के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है वो वाइट कलर का पेपर होता है, और उसके ऊपर ब्लैक प्रिंट से लिखा जाता है, है ना, ब्लैक इंक होती है जिससे कि लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई आपको प्रपोजल बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो लेटर्स हैं उनके लिए वाइट कलर का पेपर और ब्लैक कलर की इंक लिखने के लिए वो स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो ये था फर्स्ट हमारा स्टेशनरी, कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर से सुन लो, स्टेशनरी का जो साइज़ है पेपर का साइज़ वो होना चाहिए 8.5 × 11 इंचेस, है ना, और जो स्टेशनरी की क्वालिटी है वो होनी चाहिए 16 × 20 पाउंड, और जो कलर है वाइट कलर का पेपर और ऊपर ब्लैक कलर की इंक, ये स्टैंडर्ड है जो होना चाहिए फॉर अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। सेकेंड हमारा आता है मल्टीपल पेज लेटर। यहाँ ये बताते हैं कि जनरली होता क्या है, कि अगर जो लेटर है वो कई पेजेस का है, तो फर्स्ट पेज की क्वालिटी तो अच्छी होती है, जिसको हम लेटर हेड बोलते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद वाले जो सब्सिक्वेंट पेजेस होते हैं उनकी क्वालिटी डाउन कर दी जाती है, है ना। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड एंड द फॉलोइंग पेजेस जो हैं शुड बी ऑफ सेम क्वालिटी एज लेटर हेड, एज द फर्स्ट पेज, है ना, उसके इक्वली होनी चाहिए, कि फर्स्ट पेज की भी टॉप क्वालिटी होनी चाहिए और जो बाद वाले पेजेस हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और नंबरिंग की जानी चाहिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ताकि अगर रास्ते में या लेटर मिलने तक कोई पेज मिसप्लेस हो जाए तो उनको पता चल जाए कि इट कंटेन्स 7 पेजेस और आपके पास 6 आए हैं। तो इट शुड बी नंबर्ड, और स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर ही लिखा जाना चाहिए कि इट कंटेन्स इतने पेजेस, एनक्लोजर्स कितने हैं, है ना, वो मेंशन होने चाहिए। और जैसे बताया कि जो ये लिखा जाता है लेटर हेड या बाकी चीज़ें जो लिखी जाती हैं प्रॉपर स्पेस देने के बाद लिखी जानी चाहिए, और हर पेज पर सबसे ऊपर पेज नंबर ये उसकी डेट मेंशन की जानी चाहिए, एंड अगर कोई राइटर है जो अपना नेम मेंशन करना चाहता है या कंपनी का नेम मेंशन करना चाहता है, तो हर पेज पर कंपनी का नाम या उस पर्सन का नाम, पेज नंबर एंड डेट मेंशन की जानी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ टाइपिंग, कि हैंड रिटन नहीं होना चाहिए लेटर, क्योंकि हैंड रिटन जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, हो सकता है राइटिंग समझ में ना आए,
तो जो भी मैटर भेजा जाए वेदर इन इंग्लिश और हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज इट शुड बी टाइप्ड, है ना। तो टाइपराइटर से या क्वालिटी कंप्यूटर प्रिंटर से जो है वो लिखा जाना चाहिए, और जो भी टाइप किया जाए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और विदाउट एनी मिस्टेक होना चाहिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, है ना। ओवर टाइपिंग नहीं होनी चाहिए कि एक लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर दोबारा से टाइप किया जाए, तो इट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर लिखा जाएगा तो फिर जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो टाइपिंग की जानी चाहिए। उसके बाद अगला आता है मार्जिन। मार्जिन शुड बी प्लान्ड प्रॉपरली, कि जब भी लेटर लिखा जाता है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी लिखा जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों पर होना चाहिए। अगर लेटर लंबा है, आपको लग रहा है कि एक पेज में नहीं आ रहा, तो उसमें ज़बरदस्ती आपको नहीं घुसाना है कि ऊपर से स्पेस कम कर दिया, नीचे से स्पेस कम कर दिया और कोशिश की कि एक ही पेज पर आ जाए, है ना। अगर आपको लगता है कि मैटर एक पेज पर नहीं आएगा तो सेकंड पेज आपको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्राउडिंग, कि उसी पेज पर आप सारा मैटर लिखें, ठीक है। तो मार्जिन पूरा होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर लेटर हेड है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस है, लोगो है, उसके बाद कुछ आपने एड्रेस दिया, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, फिर आपने सैल्यूटेशन जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम या ग्रीटिंग्स, है ना, वो लिखा जाना चाहिए, फिर प्रॉपर स्पेस देने के बाद लेटर लिखना है। लाइंस के बीच में भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और अट्रैक्टिव लगे। फोल्डिंग, लेटर शुड बी फोल्ड क्लियरली नीटली, कि उसकी जो फोल्डिंग है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने रफली उसको फोल्ड किया और एनवलप के अंदर डाल दिया। फोल्डिंग या तो टू फोल्ड होनी चाहिए या थ्री फोल्ड होनी चाहिए, बट नीट होनी चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ एनवलप, कि आपका जो एनवलप का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपने उसकी टू फोल्ड करनी है या थ्री फोल्ड करनी है। बट आपने ध्यान रखना है कि लेटर आपका कवर में फिट होना चाहिए, है ना, वो बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा, और मेकिंग द लेटर ईजी फॉर रीडर टू रिमूव। ऐसा नहीं कि आपने तो फंसा दिया और जब वो रीडर उसको निकाले तो उससे निकल ही ना पाए या निकालते टाइम वो फट जाए, है ना। तो इजी टू रिमूव होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो लेटर जब वो निकाला जाए तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि जब उसको खोला तो उसको इजीली वो पढ़ सके। तो फोल्डिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, टू फोल्ड या थ्री फोल्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एनवलप। तो जैसे हम कहते हैं कि लेटर की जो क्वालिटी है, पेपर की जो क्वालिटी है, दैट शुड बी सुपर्ब, उसी तरह से जो एनवलप है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो रिसीवर है वो लेटर को रिसीव करेगा थ्रू एनवलप, उसके बाद वो अंदर खोलेगा, एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। तो इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन जो होना चाहिए वो एनवलप का अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और इसके लिए अगर आपका 8.5 × 11 inches का साइज़ का पेपर है तो उसके लिए 9.5 इंचेस लॉन्ग एनवलप आता है, उसमें ही उसको जो है वो डालना चाहिए। और एड्रेसिंग द एनवलप, कि जब आप एनवलप पे एड्रेस लिख रहे हैं तो आपको एड्रेस ध्यान से लिखना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नेम एंड टाइटल ऑफ द रिसीवर, कि रिसीवर का नाम आएगा, और अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है तो वो लिखा जाएगा, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट का नाम, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या नेम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम अगर ज़रूरी है, स्ट्रीट एड्रेस अगर कोई है तो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर या पिन कोड, है ना, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, या नेम ऑफ द कंट्री अगर वो अब्रॉड भेजा जा रहा है तो नेम ऑफ द कंट्री वो भी लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है वो एनवलप को एड्रेस किया जाता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लेटर है वो इफ़ेक्टिव बने, अट्रैक्टिव बने, है ना, और कंपनी की जो इमेज है, रेपुटेशन है, वो भी बनी रहे, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, इनको पढ़ना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लेआउट और फॉर्मेट ऑफ लेटर्स।